एक गांव था जहां दो दोस्त रहते थे। वे दोनों हमेशा गैर कानूनी काम ही करते थे क्योंकि उस काम में उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। एक दिन शहर से बहुत बड़ा व्यापारी उनसे मिलने आता है। मुन्ना और जगीरा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम आया है, क्या तुम दोनों उसे करोगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं, अगर मुनाफा ज्यादा होगा तो हम कुछ भी काम करने को तैयार हैं। बताओ क्या करना है? इस काम में बहुत खतरा है, देख लो, सोच लो, अगर एक बार काम हाथ में ले लिए तो फिर पीछे नहीं हट पाओगे। अरे सेठ जी, आज तक हम किसी काम से पीछे हटे हैं क्या? आप बताइए क्या काम है, जो भी काम होगा हम दोनों उसे कर देंगे। मेरे पास विदेश से एक काम आया है, उन्हें 5 लीटर कोबरा सांप के जहर की जरूरत है, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, बताओ कर पाओगे ये काम? अरे सेठ जी, आप सठिया तो नहीं गए, ये कैसी बात कर रहे हो? आपको पता भी है एक सांप से केवल कुछ बूंद जहर ही मिलता है, तो 5 लीटर सांप का जहर कहाँ से लाएंगे? इसके लिए तो बहुत सारे सांपों की जरूरत होगी, ये काम तो नामुमकिन लगता है सेठ जी। अरे मुन्ना, तूने सुना मुंह मांगे पैसे मिलेंगे? अरे बेवकूफ, अगर हमने ये काम कर दिखाया तो हम जिंदगी भर आराम से बैठ कर खाएंगे। जगीरा भाई, मुझे लगता है तुम भी इस सेठ की तरह सठिया गए हो, जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं मुन्ना भाई, हमारे पास के जंगल में बहुत सारे सांप हैं, अगर हम उन सबको पकड़ लें तो हम 5 लीटर जहर इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, और सांपों का जहर निकालेगा कौन, तुम्हारी अम्मा? भाई सांपों का जहर निकालना कोई आसान काम नहीं है, ये जहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। मुन्ना, तुम जहर निकालने की चिंता मत करो, जहर निकालने का काम मैं खुद करवा लूंगा, तुम बस सांपों को पकड़ने का काम कर दो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है, लेकिन 5 लीटर जहर इकट्ठा करने के लिए कितने सांपों की जरूरत पड़ेगी? भाई कम से कम 500 सांपों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सेठ जी, आप हमें एक हफ्ते का समय दे दीजिए, हम 500 सांप इकट्ठा करके आपको सूचना पहुंचा देंगे, फिर आप जहर निकालने का काम शुरू करवा देना। ठीक है, तो हमारा सौदा तय हुआ, मैं ठीक एक हफ्ते बाद अपने लोगों के साथ आऊंगा। फिर इतना बोलकर व्यापारी वहां से चला जाता है। जगीरा भाई, मुझे लगता है हमने ये काम पकड़कर सही नहीं किया, इस काम में बहुत ज्यादा जोखिम है, अगर किसी सांप ने हमें डस लिया तो हमारा मरना तय है। तू डर मत यार, कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक तरकीब है, आज रात को हम जंगल चलेंगे सांपों को पकड़ने के लिए, तुम तैयार रहना। फिर रात होने पर वे दोनों जंगल की ओर सांपों की तलाश में चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ सांप दिखाई देते हैं। वो देखो मुन्ना, वहाँ कुछ सांप है। चलो उन्हें पकड़ते हैं, लगता है आज ये मरवा कर ही छोड़ेगा, हे भगवान मेरी रक्षा करना। फिर वे दोनों जाते हैं और एक लकड़ी की मदद से सांप को उठाते हैं और एक बाल्टी में कैद कर लेते हैं। फिर वे थोड़ी दूर जाते हैं और कुछ और सांपों को भी बाल्टी में कैद कर लेते हैं। देखिए भाई, मुझे लगता है हमने 100 सांप पकड़ लिए हैं, ये बाल्टी भी पूरी भर गई है, अब इस बाल्टी का क्या करें? हम इन सांपों को अपने साथ गांव नहीं ले जा सकते, अगर किसी ने देख लिया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। तुम सही कहते हो भाई, मेरे पास एक तरकीब है, हम यहीं जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं और इन सांपों को उस गड्ढे में कैद कर देंगे। फिर वे दोनों मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और सारे सांपों को उस गड्ढे में डाल देते हैं और वापस अपने गांव आ जाते हैं। फिर अगले दिन, मुन्ना भाई, कल तो हमने खूब सारे सांप पकड़ लिए, अगर ऐसे ही हमें सांप मिलते रहे तो हम एक हफ्ते में 500 सांप तो पकड़ ही लेंगे। फिर पिछले दिन की तरह वह जंगल जाते हैं और बहुत सारे सांपों को पकड़ लेते हैं और उसी गड्ढे में कैद कर देते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। जगीरा भाई, मुझे लगता है हमने 500 सांप इकट्ठा कर लिए, अब बस हमें सेठ का इंतजार करना है, जो आकर इन सांपों का जहर निकलवाए, फिर हम माला माल हो जाएंगे। कुछ देर इंतजार करने पर उन्हें वह सेठ आता हुआ दिखाई देता है।
वह सेठ अपने साथ कुछ लोगों को भी लाता है। मुन्ना और जगीरा, मुझे उम्मीद है तुमने अपना काम बखूबी निभा दिया होगा। हाँ सेठ जी, हमने तो अपना काम बखूबी कर दिया है। अब आप जहर निकालने का काम करो और हमें हमारे पैसे दो। फिर वे सब जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं, तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। बहुत तेज आंधी आने लगती है। अरे जगीरा भाई, ये तो बहुत बड़ा तूफान लगता है। आज तक मैंने इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। मुझे लगता है हमें इस तूफान के बीच जंगल में नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी जंगल जाना होगा। तभी एक बहुत बड़ा बवंडर आता है और वह सारे सांपों को गड्ढे में से उड़ाकर अपने साथ हवा में उठा लेता है और देखते ही देखते सांपों को पूरे आकाश में बिखेर देता है। अरे जगीरा भाई, जरा आसमां की तरफ तो देखो, पूरे आसमां में सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये इतने सारे सांप आकाश में कैसे उड़ रहे हैं? मुझे लगता है इस बवंडर ने इन सारे सांपों को अपने साथ हवा में उड़ा लिया। भाई मेरी माँ कहती थी, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। वो देखो, सांप नीचे गिर रहे हैं। अरे मर गए रे, ये तो सांपों की बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सांपों की बारिश होने लगती है। हर जगह सांप ही सांप गिरने लगते हैं। अरे अरे मर गया रे, इस सांप को मेरे गले से निकालो। अरे मर गया रे, अरे 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 ये मुझे डस लेगा, कोई तो इसे मेरे गले से निकालो। अरे मर गया रे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो, ये सांप आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे जगीरा, अरे जगीरा भाई भागो भागो। फिर वे सब भागने लगते हैं। सब गांव वाले सांपों की बारिश होती देख अपने अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं। अरे मर गए रे, ये सांपों की बारिश कैसे होने लगी, ये सांप तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर एक सांप उस व्यापारी को डस लेता है। अरे मर गया, इस सांप ने तो मुझे डस लिया, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे कोई तो मुझे बचाओ। फिर कुछ गांव वाले उन सांपों को मारने लगते हैं। अरे मारो इन सांपों को, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे लल्लन चाचा रुको रुको, इन्हें मारो नहीं, इसने थोड़ी देर पहले मेरी गाय को डसा था। हाँ, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है ये सारे सांप जहरीले नहीं है, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। अरे वाह बेटा, हम कैसे मान लें कि ये जहरीले नहीं है? अगर इसने मुझे काटा और मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इस सांप को उठाता हूँ। फिर वह बच्चा उस सांप को उठाता है और उसे जंगल की ओर ले जाता है। सब गाँव वालों की आँखें फटी की फटी रह जाती है और वह बच्चा थोड़ी देर में सांप को पास में छोड़कर आ जाता है। उस बच्चे की हिम्मत को देख बाकी गांव वालों में भी हिम्मत आ जाती है और वे सब लोग सांपों को मारना बंद कर देते हैं और उन्हें उठाकर वापस जंगल छोड़कर आने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे सांप वापस अपनी जगह पर पहुंचने लगते हैं। जगीरा भाई, आज तो बाल बाल बच गए। अगर किसी को हमारी इस करतूत के बारे में पता चल जाता तो हमारी खैर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उस सेठ को भी एक सांप काट चुका होता है। हे सांप देवता, कृपा करके अपना जहर वापस चूस लो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी जानवर की तस्करी नहीं करूँगा। मैं सारे गैर कानूनी काम छोड़ दूंगा, बस बस अपना सारा जहर वापस चूस लो। अरे सेठ जी रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये सारे सांप जहरीले नहीं है, इनके काटने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपको भी कुछ नहीं होगा। अच्छा मुन्ना और जगीरा, आज के बाद मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, तुम ये सब गलत काम छोड़ दो। आप सही कहते हैं सेठ जी, अगर ये सांप जहरीले होते तो ना जाने आज कितने लोगों की जान चली जाती। मुझे भी लगता है आज से हमें मेहनत करके ही रोजी रोटी कमानी चाहिए। ठीक है भाई, अगर तुम आज के बाद कोई गलत काम नहीं करोगे तो मैं भी ये काम करना छोड़ देता हूँ। हमें सांपों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए
तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ह्यूमैनिटी शुड बी आर रेस, लव शुड बी आर रिलीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।